अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां राजस्थान में पदस्थ सेना के जवान के हनुमान नगर वार्ड क्रमांक 43 स्थित घर पर अज्ञात चोरों ने चोरी करने के बाद आग लगा दी। पीड़ित सेना के जवान अभिषेक मिश्रा, पिता चंद्रभान मिश्रा, निवासी हनुमान नगर थाना बिछिया जिला रीवा का निवासी है। उनके द्वारा बताया गया कि मैं भारतीय सेना राजस्थान गांधीनगर पर पदस्थ हूँ। दिनांक 19/11/2022 को मेरे घर में रात्रि के समय चोरी की गई व आग लगाकर पूरे घर को जला दिया गया, जिससे मेरे घर में रखा सामान जल गया। मैं बिछिया थाना में गया, परंतु आज तक चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है और ना ही कोई औपचारिक कार्यवाही की गई। पीड़ित भारतीय सेना में वापस सेवा देने जा रहा है, वह अत्यधिक दुखी है। उसका परिवार बेघर हो गया है व यहाँ वहाँ जीवन यापन कर रहा है। उसके परिवार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए जवान ने तत्काल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है, मैं कृष्णा नगर में रहता हूँ, वार्ड नंबर 43 में। मेरे घर में आग लग गई, कुछ लोग आए और चोरी किए, चोरी करके उन लोगों ने पूरे घर पर आग लगा दिया। उस टाइम पर मैं महाराष्ट्र अहमदनगर में पदस्थ था, वो ट्रेनिंग के पर्पज से मैं गया हुआ था। वहाँ पास मेरे को सुबह फ़ोन आता है मेरे पड़ोसियों द्वारा कि आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, और उसके बाद फिर मैं अपने परिजन वालों को फ़ोन किया, उनको बोला कि आप घर जाएं, घर जाकर देखें क्या कार्रवाई हुई। जब मेरे घर वाले वहाँ गए, दरवाज़ा खोले, अंदर गए तो पूरे घर में आग जल रही थी। उसके बाद फिर पुलिस को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला कि मेरे घर में आग लग गई है, कुछ लोग घुसे हुए थे, कृपया जा करके जाइए वहाँ, जाकर देखिए क्या हुआ। तो पुलिस वाले मेरे को बोलते हैं कि पहले आप आइए, आ करके यहाँ रिपोर्ट लिखाइए, रिपोर्ट लिखाने के बाद फिर यहाँ से कोई पुलिस वाले वहाँ जाएंगे, जा करके कार्रवाई करेंगे। किसके द्वारा ये बोला गया? ये वहाँ के जो थाना प्रभारी पाठक मैडम थी, उनके द्वारा बोला गया। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पहले थाना में आइए, यहाँ आकर के आप रिपोर्ट लिखाइए, उसके बाद यहाँ से पुलिस वाले जाएंगे और जाकर आपकी मदद करेंगे। तो मैंने उनको बोला, मैडम मैं भारतीय सेना में नौकरी कर रहा हूँ, अभी मैं महाराष्ट्र अहमदनगर में हूँ, मैं इस समय आपके पास कैसे आ पाऊँगा। तो उन्होंने बोला, या तो आपके परिवारजन में कोई हो या तो फिर आपके कोई आस पड़ोस में, तो उनको भेजें। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि आप जाओ वहाँ, जा करके एक बार मेरी रिपोर्ट लिखाओ। मेरी बहन जब थाना गई, थाना जा करके रिपोर्ट लिखाने लगी, तो वो बोले कि आप उस घर की कौन है, आपका आपके कहने से रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, आप उस घर के मालिक नहीं है। जो थाने का मामला ही थाना बिछिया, कब की घटना है ये? 19 तारीख की रात्र की घटना है। अभी आप थाने गए थे? मैं थाने, मेरे को 5 दिन की आपातकालीन छुट्टी मिली थी, 5 दिन से मैं लगातार थाने ही जा रहा हूँ, पर वहाँ से सिर्फ विवेचना होती है, लिखा जाता है, पर अभी तक रिपोर्ट कायम नहीं हुआ है। क्या क्या नुकसान हुआ है? मेरे घर में रखा हुआ लगभग ढाई लाख तक का सोना वो नहीं है, और तकरीबन वहाँ का एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन और बेड, सोफ़ा सेट और बक्सा, अलमारी, सब कुछ जल के राख कर दिया। गाड़ी भी थी आपकी? हाँ, मेरी FZ बाइक भी थी, उसमें भी आग लगा दिया। कुछ सामान जो उनसे ले जाता बना होगा वो लेकर चले गए होंगे, और जो बचा कुचा सामान उन्होंने उस पर आग लगा दी। आसपास कैमरा नहीं लगा? आस पड़ोस में गली मोहल्ले में कई 2-3 कैमरे लगे हुए हैं, पर किसी का मैं आया, 5 दिन हो गए ना पुलिस आकर किसी कैमरे को। किसके द्वारा आग लगाई गई, कुछ है जानकारी आपको? हमारा तो एक ही के ऊपर संदिग्ध है कि एक ही व्यक्ति है जिससे हमारा कुछ मेरे बड़े भाई का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई है उनकी बड़ी जो उनकी वाइफ है उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, काफ़ी डिवोर्स का चल रहा था। तो वो कई बार उन लोगों ने हमारे ऊपर झूठा केस लगाने की कोशिश की, दहेज एक्ट लगाने की कोशिश की, यहाँ तक कि हम मारपीट और ये कि मेरे ऊपर लपटा हुआ था, मेरे को मार रहा था, जबकि उस दौरान मैं ड्यूटी पर हूँ, और झूठा केस उन्होंने बना करके लगा देना कि मतलब मेरा देवर मेरे को आया, मेरे को मारा पीटा। इस विषय पर आपने रीवा SP से फ़ोन के माध्यम से कुछ जानकारी दी है या शिकायत? मैं डायरेक्ट थाना में इसके प्रति पूरी सूचना है, कई FIR भी दर्ज हैं। उन्होंने जब मेरे खिलाफ़ कई 2-3 बार झूठी खिलाफ़ FIR दर्ज कराई थी, उसके बाद फिर बाद में ये फिर दोबारा समझौता कर लेती थी, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जो ये सिद्ध कर सके कि मैंने कभी उनको मारा या कभी मैंने उनके साथ कोई को कुछ किया, क्योंकि मैं आग जने की घटना के बाद क्या थाने से स्टाफ कोई घटना स्थल पर गया अभी तक? आग जने की घटना लगने के बाद जब मेरे को सूचना मिली थी तब मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद जब मैंने थाना प्रभारी मैडम को बोला कि मैडम मेरे घर में आग लग गई है तो किसी पुलिस वाले को वहाँ भेजिए, तो उन्होंने बोला कि पहले आप अपने घर वाले किसी को। अभी तक कोई स्टाफ गया क्या थाने से?
अभी मेरी सूचना में 2-3 लोग गए थे, लेकिन जब से मैं अपनी ड्यूटी से वापस आया, वहाँ आने के बाद सिर्फ एक बार पुलिस वाले आए हैं। 5 दिन हो गए मेरे को आए हुए, सिर्फ एक बार पुलिस वाले मेरे घर आए। वो क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर में कुछ नहीं बचा, मेरा पूरा घर जल के राख हो गया, पूरा सामान राख हो गया। मैं तो ड्यूटी पे था, आज मैं आया तो आज मैं रोड पे आ गया। बीवी बच्चे सब हम लोग कहाँ रह रहे हैं, बाहर रोड पे रह रहे हैं। ना हमारे पास रहने के लिए कुछ बचा, ना खाने के लिए कुछ बचा। अगला आदमी सिर्फ जलन बस हमारे घर में, पूरे घर में, पूरी जिंदगी में हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार मिश्रा। ठीक। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित। और मैं हूँ अनीता भट्ट। और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल। एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।